हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिजी। मेडिजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ सांभर की रेसिपी के साथ। वैसे तो सांभर हम सभी के घरों में बनता ही है, और अगर नहीं बनता है तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सांभर बनाने का सबसे इजी तरीका। कैसे आप जो ऑथेंटिक टेस्ट है मद्रास का, यानी कि साउथ का जो टेस्ट है, वो कैसे आसानी से बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने घर में बना सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनेगी और इसका टेस्ट एकदम उम्दा आएगा। तो अगर आपने अभी तक मेडिजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और पास ही बने इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरीके की रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने लिए है एक बॉटल गार्ड, यानी कि एक लौकी। इसको मैंने छील कर, धुल कर और अच्छी तरह से इसको ग्रेट कर लिया था, यानी कद्दूकस किया है। कद्दूकस करते समय मैंने इसके सारे बीज को निकाल दिया है। साथ ही यहाँ पर ली है एक कप तुअर दाल, यानी कि अरहर की दाल। सांभर में हम अरहर की दाल इस्तेमाल करेंगे, और इसको मैंने इस तरीके से भिगो कर रख दिया था। साथ ही मैंने लिया है हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और सांभर मसाला, जो कि सांभर बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। तो चलिए सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं सांभर की। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैं सारी दाल ऐड कर रही हूँ। एक कप दाल थी, उसको मैंने धुलकर भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, और ये दाल बिल्कुल तैयार है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ लौकी। टमाटर यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं खटास के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं इस्तेमाल किया। 4 बड़े चम्मच मैंने सांभर मसाला इसमें डाला है, और साथ ही मैंने 2 छोटे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। लौकी अपने आप भी कुछ पानी जो है छोड़ती है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो 4 कप के लगभग हम इसमें पानी डालेंगे ताकि जो दाल है वो अच्छे से पक जाए। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और लेट को कवर करके हम इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। अब हमें इसको प्रेशर कुक करना है हाई फ्लेम पर। 2-3 विसल तक हमें इसे प्रेशर कुक करना है, और उसके बाद हम इसको गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे, और धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है 5 से 10 मिनट तक। और जब एक बार विसल आ जाएंगी 2 से 3 विसल के बाद, हम इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे, और उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो लौकी है और दाल है वो अच्छे से गल चुकी है या नहीं। ये देखिए, लिड को मैंने ओपन किया है। अब देखिए इस तरीके से हम इसको हल्का सा करछी की सहायता से बिल्कुल स्मूथ कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इमली का पल्प। यानी कि इमली को मैंने भिगो कर रखा हुआ था पानी में। यहाँ पर मैंने 3 से 4 इमली बड़ी वाली जो होती हैं वो इस्तेमाल की हैं। आपके पास अगर रेडीमेड पल्प है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है कुछ पानी। पानी की सहायता से हम कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सांभर थोड़ा पतला ही खाया जाता है। तो इसको डालने के बाद मैंने फिर से इसको गैस पर रख दिया है उबलने के लिए। सांभर को हमें अच्छे से उबालना है, क्योंकि जब तक वो अच्छे से उबलेगा नहीं, उसमें जो टेस्ट है वो नहीं आता है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ एक तड़के की। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे, क्योंकि अब हम इसमें जो तड़का बनाएंगे वो जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तड़के के लिए मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच के करीब राई दाना, यानी कि मस्टर्ड सीड। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ करी के पत्ते डाले हैं फ्रेश, और साथ ही मैंने 2 लाल मिर्च जो सूखी हुई हैं वो डाली हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, और फ्राई करते समय हमने यहाँ पर जो अनियन है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्याज डाल सकते हैं और चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो प्याज को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी जब तक कि ये गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। ध्यान रखना है हमें गैस के फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, बिल्कुल धीमा ही रखना है, और जब अच्छे से प्याज भुन जाएगा तब हम इस तड़के को इस सांभर में ऐड कर देंगे, और इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम बॉयल होने देंगे 5 मिनट तक के लिए। 5 मिनट बाद हमारा सांभर बिल्कुल तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं।
तो ये सांभर की रेसिपी आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और इस सांभर को आप एंजॉय कर सकते हैं डोसे के साथ, इडली के साथ, उत्पम के साथ या किसी भी साउथ इंडियन स्नैक के साथ। तो आई विश आपको ये रेसिपी पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेड इजी। स्टे ट्यून। बाय बाय।